हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुरेंद्र। आज फिर से प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ मैं। यह है पर्यावरण अध्ययन से, ये तीसरी प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं। चलो आप सोच लो मन में, अब मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सिंबल क्या है? CO। दोस्तों बंद कमरे में कभी भी सिगड़ी जला के नहीं सोना चाहिए। ये गैस क्या होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये क्या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देती। तो ऑक्सीजन की कमी से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन मतलब उसको ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल का संसारण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका कारण क्या है? देखो इसका मेन कारण तो है दोस्तों, मथुरा में जो रिफाइनरी है उसकी वजह से क्या होता है, उस रिफाइनरी से कौन सी गैसें निकलती है? जी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा करती है। तो इसका मेन कारण क्या हो गया? रिफाइनरी और अम्लीय वर्षा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन छेद कहाँ देखा गया? क्वेश्चन आता है कई बार, ओजोन में छेद हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उत्तरी अंटार्कटिका? नहीं दोस्तों, यह है अंटार्कटिका जो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वह है, वातावरण संरक्षण हेतु प्रति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जी इसके मैं हिंट दे देता हूं आपको, ये ब्राजील में हुआ था और 1992 में हुआ था। तो शहर का नाम बताना है दोस्तों, सोच लिया होगा आपने। जी जिन्होंने सोच लिया मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। फिर इस पांचवा क्वेश्चन है, ओजोन का रंग कौन सा होता है? ओजोन कौन से रंग की होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर सोच लो अब, फिर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है नीले कलर की होती है ओजोन। ठीक है, जिसके बाद छठवा क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है दोस्तों? इसका हिंट दे देता हूँ कि इसके जो पश्चिम साइड में है बहुत सारा मरुस्थल एरिया है। ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आंसर बता देता हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवा, कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप पर है? कई बार पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप पर है। जी दोस्तों इसके साथ बता देता हूँ, अपने पूरे वर्ल्ड में सात महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है। अब इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद आठवें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजनाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों जिस प्रकार टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है उस प्रकार हाथी परियोजनाएं भी चलाई गई है। टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या कितनी है भारत में? जी 48, बिल्कुल सही है। अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत में हाथी परियोजना की संख्या कितनी है? 28। दोस्तों अगर आपको ये आंसर आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो देख लो। नौवां क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? जी दोस्तों ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, मौसम परिवर्तन वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? सौर मंडल। इसका सही आंसर है सौर मंडल। वैसे आपको भी आ गया होगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है। इसके बाद है, वायुमंडल में O2 की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों वायुमंडल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा, कौन सा भी एग्जाम हो। जैसे पूछ लेते हैं नाइट्रोजन की कितनी होती है, उसका संगठन पूछ लेते हैं पूरे वायुमंडल का संगठन, तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने दे दिया, ऑक्सीजन की 21% है दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों एक बार मैं बता देता हूं, इसका हिंट दे देता हूं कि केवल आवृत्ति होती है जो नहीं बदलती, इसकी तरंग दैर्ध्य भी बदलती है प्रकाश की, जब वो किसी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और वेग तो बदलता ही है। तो सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? सोच लिया आपने आंसर, अब मैं बता देता हूँ, वेग बढ़ेगा। आंसर दिख भी गया था ऐसे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ रथ यात्रा कब शुरू होती है? कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर कब शुरू होती है रथ यात्रा। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया,
जिसके बाद है 13वां क्वेश्चन, हेमिस मेला कहाँ लगता है, हेमिस मेला कहाँ लगता है। दोस्तों हिंट दे देता हूँ, ये बुद्धों का सबसे बड़ा मेला होता है, ये लगता है जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, लद्दाख में। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो रियासत कालीन का है, सिंगोटी क्या है। दोस्तों ऐसे तो एक प्रकार का टैक्स है, इतनी हिंट दे देता हूँ, अब आपने सोच लिया होगा क्या है, तो अब मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर है, पशुओं को बिक्री के समय जो जो कर वसूली की जाती थी ना, उससे सिंगोटी कहते थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, उपनयन संस्कार क्या होता है। दोस्तों वैसे 16 संस्कार है और पूरी तरह अपन को याद होना चाहिए और उनके सारे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन उनके बारे में। तो उपनयन क्या होता है दोस्तों, सोच लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ, यह है शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाने के लिए जो संस्कार किया जाता है वह उपनयन संस्कार कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है वह है यज्ञोपवीत। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज की क्विज होती है समाप्त। ये अच्छी लगी होगी वैसे आपको, अगर क्विज अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको जरूर लाइक कीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो दोस्तों, लगे रहो, आपकी सक्सेस निश्चित है।